रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ती जा रही है। श्रद्धालु केवल श्री राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए ही नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि यहां रुककर व्यवस्था का आनंद भी ले रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अयोध्या में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर में 6 स्थानों पर टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। ये टेंट सिटी आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगी। यहाँ भक्तों को 5-स्टार होटल जैसी सुविधा मिलेगी, जिस बारे में टेंट सिटी के मैनेजर कृष्णकांत ने जानकारी भी दी है। सबसे पहली खासियत के राम मंदिर के बहुत करीब है। दूसरा, इसमें 30 टेंट हैं जो कि लग्जरी टेंट्स हैं सारे, तो जो भी आपको फैसिलिटीज मिलेंगी वो सारी एक 5-स्टार होटल वाली फैसिलिटीज हैं। तीसरा, हमारे पास जो एंट्रेंस पर आपने देखा होगा कि अपने पास 10 फीट लंबे राम पादुका भी हैं, जो कि लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। चौथा, अगर हम बात करें तो हमारे पास एक स्टेज है जिसमें हम शाम को कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, इवनिंग में, जैसे रामलीला हो गया, भजन संध्या हो गया, रामलीला के प्रसंग हो गए, उस टाइप से। तो खासियत काफी सारी हैं, बट मेन है कि राम मंदिर में है और अयोध्या में है। तो जिस तरीके से इसको सरकार ने एक कंपनी के साथ मिलकर डेवलप किया है, तो नेचर का भी खास ख्याल रखा गया, लोगों को एक नेचर टच देने की कोशिश की गई है। हाँ, नेचर के बहुत करीब है, मतलब अगर हम बात करें तो हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि नेचर के साथ छेड़छाड़ ना हो और नेचर के जो लोग आए वो एक शांत और एक नेचुरल चीज को महसूस कर पाए। टेंट सिटी का नाम सुनकर लोगों के मन में आता है कि शायद इसे अस्थायी तौर पर तैयार किया गया है और हो सकता है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसे हटा दिया जाए। इसको लेकर क्या जानकारी दी गई, सुनिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये टेंट अगले 10 साल तक तो ऐसे ही रहने वाले हैं, बाकी अभी ऐसा नहीं है कि जनवरी के बाद हट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको बताते चलें कि रामनगरी में इन टेंट सिटी का निर्माण गुप्तार घाट, ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा, रामकथा संग्रहालय के पीछे बाग बीजेसी, कार सेवकपुरम व मनीराम दास छावनी के परिसर में किया जा रहा है। 6 टेंट सिटी में करीब 88,000 भक्तों के रहने की सुविधा होगी। इसके निर्माण में अयोध्या की संस्कृति की झलक भी दिखाई पड़ रही है, जो भक्तों का मन मोह लेगी।